अजिन के पग में पन ही न जुरे, गजकार तिन्हें बैठाई दियो। जिनके घर में नहीं अन्न जुरे, तिन्हें छप्पन भोग जवाई दियो है। द्वापर में एक ब्यास भयो, कली कोटिन ब्यास बनाई दियो। बोले पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की। सीताराम बंदना राधे श्याम बंदना, सीताराम बंदना ताली बजाते हुए, आहा सीताराम बंदना राधे श्याम बंदना, सीताराम बंदना गाइए गाइए भैया। देखिए तो ही बात है, या तो गाइए नहीं तो रोइए, ध्यान दीजिए। गाना रोना जीवन में जो भगवान की कथा में आके गाय लिया ना प्यारे, संभल के सुनना। जो भगवान की कथा में जीवन में आकर के एक बार गाय लिया, उसे 365 दिन रोना नहीं पड़ता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आहा सीताराम बंदना सीताराम बंदना राधे श्याम बंदना। ताली बजाने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर की एक बीमारी से मुक्ति हो जाएगी। बढ़िया। श्रीमद् भागवत के अनुसार भाग्योदय बहुजन्म समर्जिते शत संगमं चलभते पर सौजदा। एक जन्म नहीं कई जन्म के संस्कार, कई जन्म के संस्कार सुसंस्कार जब इस जन्म में एकत्र होते हैं, भाग्य के उदय होने का समय हो जाता है। बाबा भूत भावन भोलेनाथ की कृपा होती है तो यह मधुर बेला जीवन में प्राप्त होता है, ध्यान देना। और नहीं तो यही सर्वत अति कठिनाई, यही हम और आप अपने मन से, जिसका मन हो ये धर्मशाला नहीं। हाँ, जब मन तब प्रवेश करो, जब मन तब नहीं। भगवान की प्रेरणा हुई है, गुप्त निमंत्रण आपके यहां आपके हृदय में आपके दिल में गया है। प्रभु ने कहा है चलो, जिसके भाग्य में जितनी होगी उतना प्राप्त हो ही जाएगा भगवान की कृपा। अब आप कहोगे महाराज कुछ लोग बिना भगवान के कृपा के ही आए गए, ऐसे कुछ लोग हैं तो आ जाते हैं तो जानते हैं क्या होता है, वो कथा सुनते नहीं, वो आते हैं तो क्या होता है। भगवान कहते
देते हैं कि भैया बिना बुलाए आए गए हो तो जाओ भी मत, बैठो, लेकिन केवल बैठो, पाओ भी मत। क्या हो जाता है? क्या भगवान प्रेरित कर देते हैं और जाते ही नींद जुड़ाई। ओ बिना भगवान के निमंत्रण के जो आए जाते हैं भैया उन्हें नींद आई है और कुछ सुन नहीं पा, तो हम बड़भागी हुए। आज बंदी जैसा बताई सारा धाम यहां मौजूद है, एकदम सभी धाम। और यह बड़ा पुण्य की वेला है कि इस समय सूर्य भी मकर राशि में ही है और मानस की कथा वहीं से प्रारंभ होती है। ध्यान देना, कुछ तात्विक पक्ष की चर्चा मैं करूंगा। हमारे जीवन के भी चार घाट हैं, ध्यान देना प्यारे, बालपना, जुआपना, वृद्धापना और जरापना। जीवन के भी चार घाट है। और क्या राम जी कितने भाई है? चार। इन चार के महत्व को देखते हुए हमारे गोस्वामी जी ने इस सरोवर में चार घाट की स्थापना कर दी। बांधे घाट मनोहर चारे, चार घाट कौन का? उपासना घाट, ज्ञान घाट, कर्म घाट और शरणागति घाट, भक्ति घाट, दैन्य घाट, जो घाट है। ज्ञान घाट वह है जहां भगवान शिव कथा कहते हैं। देखो भैया एक बात और कह दूं, बुरा नहीं मान, कहा कन्हैया की कथा हो, राम जी की कथा हो, इसमें ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं। हाँ अब तो नहीं रहे साकेत वासी पूज्य बात रामकिंकर जी महाराज, रामकिंकर जी उपाध्याय से पूछा गया कि रामकिंकर जी महाराज कहा काम की कथा में भीड़ ज्यादा नहीं होती है? रामकिंकर जी ने कहा भैया भीड़ ज्यादा ना हो तो ही ठीक है। कहा क्यों महाराज? कहा भीड़ का क्या ठिकाना, कब जिंदाबाद बोल दे कब मुर्दाबाद बोल दे, भीड़ का कोई ठिकाना है? कब जिंदाबाद बोल दे कब मुर्दाबाद बोल दे, हाँ कोई ठिकाना नहीं। हाँ प्यारे, तो कथा का दर्शन भी कुछ इसी तरह बताता है कि तीन घाट पर तो बिल्कुल भीड़ नहीं है। ज्ञान घाट कैलाश जहां बाबा शिव कथा कहते हैं और केवल हमारी मैया भगवती पार्वती सुनती है ना बाबा, ऐसा ही है, एक वक्ता और एक श्रोता, दूसरा नहीं। बाबा ने कहा, किसी ने कहा बाबा से अरे गणों को प्रवेश करने दो, बाबा के गण है बहुत। बाबा ने कहा नहीं नहीं, हमारी कथा में खबरदार दूसरा नहीं आएगा। कहा क्यों? कह यह न कही नहीं आएंगे और द्विजद्रोही नहीं आएंगे, ध्यान देना, ब्राह्मण विरोधी नहीं आएंगे। ब्राह्मण विरोधी से किसी धर्म संप्रदाय पर न जाना भैया, ब्राह्मण का मतलब होता है धर्म, ध्यान देना। विप्र धैनु सूर्य संत हित लीन मनुज होता है, विप्र के लिए यानी बाबा जी के लिए नहीं, धर्म के लिए। चार फल है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, समय उधर आएगा राम जन्म की बात तो होगी वो मेरा,
तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि धर्म विरोधी को नहीं आना है मेरी कथा, और ज्ञान घाट की कथा एक पत्ता एक स्रोत, और उपासना घाट वहां भी प्रधान रूप से एक ही वक्ता और एक ही स्रोत है। नीलगिरी पर वहां काकरकसी महाराज काकभसुंडी जी कथा कह रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं, बस वहां भीड़ नहीं, वहां भी भीड़ नहीं। आज प्रयाग में अभी अभी जहां ये मकर कावेला चल रहा है, माघ मकर गत रवि जब हुई, अभी मकर में ही सूर्य, तो वहां भी मुख्य रूप से एक ही वक्ता और एक ही स्रोत, जागवर्ग जी महाराज और भारद्वाज जी महाराज, और एक घाट को महाराज इतना विचित्र है मानस का कि वहां केवल एक वक्ता ही है, स्रोता है ये नहीं है, बोलिए राजा रामचंद्र की। हाँ साहब, गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास कथा कहते, किसी ने कहा बाबा कहा आपको रोग हो गई है कथा कहने की, कहा क्या है, कह रहे सुनने वाला कोई नहीं, कहा नहीं कोई नहीं, एक है एक वक्ता है, कहो कौन है, कहा वो मेरा मन है। ओ मेरा मेरा मन पहले सुन ले भैया, शांत सुखायसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधन मंजुलवा, भाषा निबंधन मंजुलवा होते, पहले मेरा मन सुन ले, मैं अपने मन को सुना रहा हूं प्यारे। तो चार घाट की कथा है, और कहीं भी कथा मिले, जब तक कि दिन रात वहां कथा होती है, तुमको नहीं राम राम दिन रात, कैलाश पर रात दिन कथा होती है, कभी भी विश्राम नहीं, हाँ 24 घंटा कथा चलती है। अब आप सुनेंगे तो हवा खराब हो, भैया नहाना खाना खा, नहाते रहो खाते रहो, राम राम कहते रहो, हाँ नहाते रहिए खाते रहिए, राम जी का नाम लेते रहिए, 24 घंटा कथा कैलाश पर। कथा की दो विधाएं हैं मानस में, एक विधा क्या है सुनिए, एक विधा रात्रि में 7 बजे कथा शुरू हुई, संध्या 7 बजे, और कथा कब तक चली ध्यान देना, आर करी भोजन मुनि वन विज्ञानी करी भो, I'm